भाई साहब। बट यहाँ पे ना थोड़ा गोवा वाला सीन एक्चुअली, एंड अब तक जितने भी राइड किए उनमें से ये जो है सबसे ज्यादा हेक्टिक था। पीछे देख सकते हो सनराइज हो चुका है। अपने सामने है पूरी जगन्नाथ मंदिर, एंड सोच रहा हूँ आपको वापस आते वक्त गोल्डन बीच एंड जो मरीन ड्राइव है वो थोड़ा दिखा दूँ। बोल रही है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक रहा है। यहाँ पे ना काफी बंदर वंदर घूमते रहते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस चीज को कहते हैं खाजा। तो गाइस अभी एक चप्पल पहन के हम चल रहे हैं, बट उतने देर के लिए यू नो कंट्रोल कर भी नहीं सकते जी सब। 5 से 6 घंटा हमको दर बदर इधर उधर भटकना पड़ा, तो उसके वजह से स्क्रीन का डिस्प्ले है वो काम नहीं कर रहा। तो सुना है कि बंदर जो है नारियल वारियल गिरा देते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। तो कल का पूरा दिन जो है मैंने ORS पे बिताया। एंड ये चीज आप लोग काफी दिखेगा कैमल, एंड इतना लंबा लाइन देखो। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। एंड कल का डे हमारे लिए काफी हेक्टिक था, एंड क्यों हेक्टिक था ये सारी चीजें मैं आप लोगों से इस ब्लॉग में मतलब आगे शेयर करूंगा। बट गाइस राइट नाउ इट्स 5 o'clock मॉर्निंग, एंड अभी जैसे कि देख सकते हो सनराइज जो है वो नहीं हुआ है, एंड जस्ट डे लाइट निकला है। सो अभी हम लोगों ने ब्रश वश कर लिया, एंड अभी हम लोग फटाक से जा रहे हैं बीच में, यानी कि पूरी बीच में फॉर कैप्चरिंग सनराइज। एंड GoPro वगैरह में नहीं ले रहा तो डायरेक्ट बीच में मिलते हैं। सो गाइज अभी अपन लोग आ चुके हैं पूरी बीच में सनराइज कैप्चर करने, एंड पीछे अपनी डार्क नाइट एंड ये मैडम भी। बाकी आके सीन्स कुछ ऐसे देख सकते हो, अभी तक सनराइज जो है नहीं हुई है, एंड वहाँ से शायद सनराइज होगी। एंड ये देख सकते हो चंदा मामा, एंड देख सकते हो हाई टाइड्स बड़े ही शानदार लग रहे हैं। वेल एक चीज़ अच्छा है कि गोल्डन बीच से ये वाला बीच जो है ज़्यादा शांत है, देख सकते हो यहाँ पे लोग भी कम है, एंड छोटे छोटे आपको स्टॉल दिख जाएंगे, एंड देयर यू कैन सी सम बोट्स, एंड यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो। देख सकते हो वहाँ पे काफी लोग बोटिंग कर रहे हैं। Very dangerous! भाई साहब, एंड यहाँ पे बोटिंग यानी कि राफ्टिंग, लाइक जस्ट लुक एट दिस मैन। सो गाइस लहरों की आवाज़ें तो आपको आ ही रहेंगे, एंड अभी कोई अच्छा सा जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ट्राइपॉड लगा सके, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक टाइम लैप्स कैप्चर करें सनराइज का, एंड ऑल्सो थोड़ा फोटोशूट वगैरह करने के लिए एकदम थोड़ा शांत प्लेस जो है सही रहेगा। सो गाइस फाइनली इसके लिए हम लोग आते हैं बीच में। क्या करता है रे? चलो गाइस अभी जब तक सनराइज नहीं हो रहा तब तक हम लोग थोड़ा लहरों के मजे ले रहे हैं, पर ये मैडम डर रही है थोड़ी। डर क्यों लग रहा है? ये देखो बोल रही है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक रहा है। पहले भी बीच में आ चुकी है पर पता नहीं इस बार थोड़ा ज्यादा डर रही है। तो गाइस फाइनली वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सनराइज दिखता हुआ, तो अभी ट्राइपॉड को मैं जल्दी से सेट कर रहा हूँ, एंड अभी यहाँ से लेते थोड़ी बढ़िया पिक्स। तो गाइज अभी एक चप्पल पहन के हम चल रहे हैं। एक्चुअली ये बह गई थी, मतलब एक चप्पल बह गई थी। सो लहरें बढ़ रही है, दैट्स अ साइन। सो लहरें बढ़ रही है इसलिए चप्पलें थोड़े हमने ऊपर रख दिए। बाकी गाइज टाइम लैप्स वगैरह ले लिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लहरों को थोड़ा एंजॉय करने, वहाँ पे फोटो शूट करेंगे, एंड चप्पलें उतार दिया। बाकी गाइज पीछे देख सकते हो सनराइज हो चुका है, एंड आई होप आप लोगों ने टाइम लैप्स एंजॉय किया होगा, एंड आई नो काफी लोग बीच बीच में आ रहे थे बट उतने देर के लिए यू नो कंट्रोल कर भी नहीं सकते जी सब। गाइस जस्ट लुक एट द हाइट ऑफ द वेव्स। क्या हुआ? इसी के लिए तो आए थे। ओ भाई साहब। सो गाइस फोटोशूट वगैरह हमने कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से, एंड यू नो जो पानी है ना ये मतलब काफी सॉल्टेड है, एंड जब भी ये मतलब आईफोन का स्क्रीन में लग रहा है पता नहीं क्यों पूरा स्क्रीन जो है पूरा ऑयली ऑयली हो जा रहा है, तो उसके वजह से स्क्रीन का डिस्प्ले है वो काम नहीं कर रहा। सो अभी भूख भी काफ़ी लग चुकी है, एंड फोटोशूट वगैरह हमने कर लिया है, एंड देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े टाइड्स आ रहे हैं, एंड इसका लेवल जो और इंक्रीज होगा। एंड पीछे देख सकते हो सब लोग नहा रहे हैं, तो अभी मेरा भी थोड़ा मन कर रहा है वो करने का। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रख के आते हैं, खाने पीने चलते हैं। सो गाइस हियर इज द मॉर्निंग टी, एंड हियर इज द व्यू। हाय हाय। तो गाइस ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट,
पूरी सब्जी एंड दिस प्लेस इज इन मार्केट, यानी कि पूरी वीआईपी रोड के बगल में ही एकदम। सो अभी जल्दी से खाना फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं घर के तरफ, यानी कि रूम के तरफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो गाइस खा पी के फाइनली रूम में बैक कर चुके हैं एंड अभी मैं बैठा हूँ बालकनी में एंड यहाँ का व्यू कुछ ऐसा। ये सामने एक्चुअली एक जगन्नाथ मंदिर आई थिंक, यहाँ पे ना काफी बंदर वंदर घूमते रहते हैं। सो यहाँ पे नारियल के पेड़ देख सकते हो, तो सुना है कि बंदर जो है नारियल वारियल गिरा देते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं। एंड बाकी नीचे वो रही हमारी डार्क नाइट। एंड जहाँ तक रूम का बात है गाइस, सही में बताता हूँ आपको कि क्यों कल का दिन जो है मेरे लिए इतना हेक्टिक रहा। एंड अब तक जितने भी राइड किए उनमें से ये जो है सबसे ज्यादा हेक्टिक था। एंड यार अब से यार कहीं भी राइड करने जाऊंगा तो पहले से बुकिंग करके जाऊंगा, इतना मेरे को सीख मिल गया है। बिकॉज गाइस कल हम लोग पूरी एंटर किए थे 2:10 या 15, बट उसके बाद 5:30-6 बजे तक हम जो है रूम ही ढूंढते रहे। एंड बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैंने सोचा था यार गिवअप मारते हैं, घर बैक करते हैं, मतलब क्या रूम्स तब मिल नहीं रहते तो कुछ मतलब दिमाग में आ नहीं रहा था। सो यस दिमाग काम करना बंद कर दिया था, तो बस मरीन ड्राइव के इस साइड से उस साइड और उस साइड से इस साइड ही किए जा रहे हैं। एंड अलग अलग ब्रोकर अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं रूम अवेलेबल है कि नहीं, किसी के पास भी एसी तो छोड़ो नॉन एसी रूम भी अवेलेबल नहीं था। अब क्या हुआ कि कल जो है कल था गुड फ्राइडे एंड यस इट वाज अ फ्राइडे, सो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जो है नॉनस्टॉप छुट्टी, तो सभी का मन किया पता नहीं क्यों पूरी आने का। एंड गोल्डन बीच, ओल्ड बीच, देन जगन्नाथ टेम्पल, कहीं पे भी मतलब आसपास रूम्स गेस्ट हाउस कुछ अवेलेबल नहीं थे। 5 से 6 घंटा हमको दर बदर इधर उधर भटकना पड़ा, रूम्स नहीं मिल रहे थे। एंड फाइनली एक रूम मिला यहाँ पे, पहले पहले से मिल भी रहे थे बट हम लोगों का मतलब ऐसे था एसी चाहिए बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट उसके बाद जब थोड़ा भटके एंड उसके बाद पता चला कि भाई हाँ ये कंडीशन है, तब भाई यहाँ पे नॉन एसी हम लोगों को 2000 भी सही लगा। यस 2000 में नॉन एसी, 2 दिन का हमारा स्टे है एंड उस वक्त हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। सो कंसिडरिंग द क्राइसिस हम लोगों ने मतलब एग्री कर लिया यार 2000 रुपये ठीक है, बिकॉज इतना दूर से देखो पहले तो राइड करके आया है, अब अगर जिस चीज़ के लिए आए हैं वही अगर नहीं किया तो मतलब यू नो। सो यस इट्स अ लेसन, जितने भी मैंने अब तक राइड किए कभी भी मैं पहले से मतलब होटल वोटल बुक करके नहीं जाता, चाहे कितना भी दूर का राइड हो कहीं भी हो। लाइक जनरली ऐसा ही होता है, जाते हैं थोड़ा बहुत ढूंढते हैं मिल जाता है। सो यस कल का जो डेट था वो काफ़ी हेक्टिक रहा मेरे लिए एंड ऑल्सो मेरे पार्टनर के लिए भी, बट फॉर्चुनेटली रूम मिला एंड ठीक ठाक ही मिला। मतलब ऑब्वियसली सी फेसिंग रूम इस क्राइसिस के सिचुएशन में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इतना मिला ठीक है, बैल्कनी है, आराम से हवा खा रहे हैं, सो दैट्स एनफ। बाकी अपने पास बाइक है तो कहीं पे भी घूम सकते हैं, दैट्स फ्रीडम। एंड गाइस रूम भी मिला, मतलब यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी कोई रह रहा था तो उनका जो चेकआउट टाइम था वो 7 बजे का था, सो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि अभी अवेलेबल नहीं है बट कुछ देर बाद अवेलेबल हो जाएगा। 6 बजे या 6:30 बजे जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो दैट वॉज द सिचुएशन, तो हमने तभी रूम जो है बुक किया, मतलब एडवांस बुक किया एंड थोड़ा मतलब मार्केट में टहलने निकल गए, देन बीच में थोड़ा जाके बैठे, फिर 8:30-8 बजने के बाद हम लोग रूम में एंटर किए एंड उसके बाद भाई जो सोए हैं मतलब उसके बाद जो नींद आई है दैट्स नेक्स्ट लेवल। एंड बाकी जैसे कल आपने देखा हमने ब्रेकफास्ट किया था पूरी सब्जी, फिर वही खा के जो पूरा दिन थे एंड बीच में थोड़ा सा मतलब ORS दे दिया था बिकॉज समझ में आ रहा था कि यार आज का दिन जो है काफ़ी हेक्टिक जाने वाला है, काफ़ी धक्का जाने वाला है बॉडी के ऊपर से। तो कल का पूरा दिन जो है मैंने ORS पे बिताया एंड ऐसा लग रहा था कि यार आज सनराइज सच से नहीं देख पाऊंगा क्योंकि कल जो है बॉडी बहुत ही टायर्ड था, पर 4:30-4 बजे मेरी नींद खुल गई थी तो हमने सोचा कि यार सनराइज देख के आते हैं अगर सुबह सुबह उठ ही गए तो। बट अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लगाऊंगा एंड आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मतलब जो सुबह सुबह हम लोग खाने गए थे तब मैंने देखा यार इतना रश। कल हम लोग शाम को जिस दुकान से खाए थे वो थोड़ा और ज़्यादा दूर था तो वहाँ पे जो खाना हमको अच्छा लगा था तो हम लोग वहीं पे जाने वाले थे, बट सुबह सुबह यार वो रश देख के हम लोग वहाँ से बैक कर गए एंड कहीं भी स्ट्रीट फूड जहाँ पे हमें ठीक लगा वहीं पे हमने खा लिया ब्रेकफास्ट यानी कि। एंड बाकी अभी रेडी होके निकलते हैं, थोड़े और प्लान्स हैं वो कंप्लीट करेंगे एंड ऑल्सो आपको थोड़ा पूरी सिटी के टूर कराएंगे, सो मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। सो गाइस दिस इज द प्लेस जहाँ पे हम लोग ने स्टे लिया है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल के साइड, सुना है वहाँ पे बहुत फेमस चीज मिलता है, काफी लोग वाकिफ हो एंड काफी लोगों ने सुना भी होगा खाजा नाम का एक चीज है, इसे स्वीट एंड सुना है कि वहाँ पे गरम गरम मस्त फ्रेश मिलता है एकदम। लाइक यार अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स जितने लोग भी पूरी आते हैं वो लोग हमारे लिए खाजा लेके जाते हैं, सो ऑब्वियसली टेस्ट तो मुझे मालूम है कैसा रहता है, बट यू नो जो भी अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स लेके जाते हैं हमारे लिए वो ठंडी हो जाती है। आज पहली बार फ्रेश एकदम गर्मा गर्म ट्राई करेंगे। बाकी ये जो रोड है दिस इज़ पूरी वीआईपी रोड एंड यहाँ पे देख सकते हो कितनी भीड़ है, कितनी जैम है,
कल से यहाँ का सीन कुछ ऐसा ही है। एंड ऐसे जैम के बीच में हमें कल 5 घंटा जो है रूम सर्च करना पड़ा, तो दैट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड वेरी हेक्टिक। सो ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर हम लोग होटल ढूंढने के लिए भटके हैं कल। सो ये नेताजी का मूर्ति से हमें लेना था इस साइड, एंड हम लोग अभी जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल के साइड में। एंड सोच रहा हूँ आपको वापस आते वक्त गोल्डन बीच एंड जो मरीन ड्राइव है वो थोड़ा दिखा दूँ। कल मैंने ब्लॉग क्लोज किया था वहीं पर आपको ठीक से दिखा नहीं पाया। एंड भैया मरीन ड्राइव में जो होटल थे उनका तो प्राइस माशाल्लाह घर जाएगा पूरा। एंड वैसे राइट नाउ आई एम राइडिंग इन चप्पल, सो आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, बट यहाँ पे ना थोड़ा गोवा वाला सीन है एक्चुअली। चप्पल शॉर्ट्स आप पहन के चला सकते हो, एंड ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे बीच में नहाने आए हो तो गियर्स वियर्स थोड़ा मेंटेन करना प्रॉब्लम होता है। इवन हेलमेट भी मैंने मोटो व्लॉग करने के लिए पहना है। एंड ये चीज़ आप लोग को काफ़ी दिखेगा, कैमल गोल्डन बीच पूरी बीच सब जगह आपको कैमल राइड्स वगैरह मिल जाती है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है गोल्डन बीच में जेट स्की वगैरह भी मिलता है। सो बोटिंग जेट स्की देन ATV, सो यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एडवेंचरस स्टफ। बाकी अपने सामने है पूरी जगन्नाथ मंदिर, एंड आई एम नॉट श्योर यहाँ पे बाइक कहाँ रख सकते हैं। बस हम लोग तो यहाँ पे खाजा खाने आए थे, तो ये शायद से मंदिर में दर्शन का लाइन है, देख लो यार कितना लंबा है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इस चीज़ को कहते हैं खाजा, एंड काफ़ी सारे आप लोगों को लाइन से दुकानें मिल जाएंगी। वैसे यहाँ पे भीड़ होगा ये एक्सपेक्टेड था, पर इतना ज़्यादा सोचा नहीं था भाई। सो गाइस जस्ट लुक एट दिस, सामने है हमारा पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, एंड इतना लंबा लाइन देखो वहाँ तक है पूरा। क्रेजी मैन क्रेजी, लोगों का डेडिकेशन पेशेंस सब कुछ को हैट्स ऑफ है मैन, हैट्स ऑफ। बाकी हमें सामने दिख गए दो स्वीट शॉप, तो यहाँ पे हम जिस चीज़ के लिए आए थे वो अभी देखेंगे।